हेलो दोस्तों, एसीपी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आरएस अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 2A बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें फर्स्ट वीडियो में मैं 1 से 5 तक बता चुके हैं। देखिए यहाँ टिक लगा के रखे हैं, मतलब 5 से 5 तक बता चुके हैं, 6 से बताएं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो अभी आप देख लीजिए, ये प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर 6 का बता रहे हैं, 6 का फाइंड द डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, डिफरेंस मतलब घटाना। तो हम लोग का 5/7 माइनस है 2/7। दोस्तों डिनोमिनेटर जब सेम है ना, तो इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 7। 7 × 7 तो 5 × 5, 7 × 7 तो 2 × 2। 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 3, और नीचे में है 7, तो हमको 3/7 आंसर हो गया। हम लोग बना रहे हैं कितना का, 5 का पहला बताया अभी है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी दोस्तों 6 का पहला बनाना है, 5 तक कंप्लीट है, 6 का बनाएं। चलिए सेकंड बनाते हैं फटाफट अच्छे से। 5/6 माइनस 3/4 है। अब नीचे में अलग अलग है ना, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। उड़ रहा है ये, तो हम लोग एलसीएम के लिए पेज ले लेता हूँ मैं उसको समझाने के लिए। पहले पंखा बंद करता हूँ, बहुत उड़ रहा था, फैन बंद कर चुके हैं अब उड़ने का चांस ख़त्म। तो यहाँ समझते हैं, 6 और 4 आपको ये साइड में दिखाना है, यहाँ साइड में हम यहाँ गंदा नहीं लगे इसलिए हम कर रहे हैं साइड में। तो 2 से चलेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, अब नहीं चलेगा। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम बराबर 2 × 3 × 2, तो 2 × 3 = 6, 2 × 12 आ गया। जो एलसीएम आता है ना, उसी को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 12। आप सोच रहे हैं इसमें क्यों एलसीएम नहीं लिखा है, 7 और 7 का एलसीएम निकालेंगे ना तो 7 ही आएगा, इसलिए नहीं निकाले। अब यहाँ समझिए, 6 × 2 = 2 बार पढ़े, 5 × 2 = 10, मतलब जितना इसको पढ़ते हैं उतना इसको भी पढ़ते हैं। 4 × 3 = 12, 3 times पढ़े ना, 3 × 3 = 9, 10 है प्लस मतलब है 9 देना है, बचेगा 1 और नीचे में है 12। ये हम लोग का आंसर, नहीं समझ में आया और बताएंगे अभी और क्लियर होगा। चलते हैं आगे, नंबर 3, 3 × 1/5 माइनस 7/10, 5 × 3 = 15 प्लस 1 = 16, नीचे में 5 माइनस 7/10। यहाँ देखिए, इसको पहले पूर्णांक तोड़ते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस करते हैं और नीचे में 5 का 5 लिख दिया। हम लोग को इसमें 5 और 10 का एलसीएम निकालना है, निकाल के दिखाता हूँ। तो चलेगा किससे, 2 से ये चलेगा, ये नहीं तो 5 से चलाते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10। एलसीएम जो होगा कितना, 5 × 1 × 2, तो 1 तो होगा नहीं, 5 × 2 मरा मरा 10 निकला, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, एलसीएम जो आता है ना, ये नंबर डिनोमिनेटर से पढ़ा जाएगा, 5 × 2 = 10, 16 × 16 = 32, 32, 10 × 1 = 10 तो 7 का 7, 2 से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे कह लेंगे 12 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 यहाँ बचेगा, 3 में 1 दिए थे तो 2/10। दोस्तों यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं है ना, लेकिन क्योंकि ये नीचे में छोटा है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें डिवाइड करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। कितना है, 2 5, तो 10 × 2 = 20 और यहाँ होगा 5। तो हम लोग ये वाला जो है ना, ये आगे में लिखते हैं 2 और ये 5 ऊपर में लिखेंगे, डिवाइड कर रहे थे 10 से तो 10 नीचे में लिखेंगे। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन ये कटेगा, कितना बराबर, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो हम लोग का 2 × 1/2, ये आंसर एक्यूरेट आंसर ये होगा। यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी, लेकिन एक्यूरेट आंसर ये होगा कि आपको कटा हुआ आंसर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, 3 के बाद 4 नंबर। अच्छा दोस्तों, यहाँ जो वीडियो 2-3 बन रहा है, कारण वही है कि टोटल 2 बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए, 4 × 2/3 है ना, 4 कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 दे देते हैं, 4 × 3 = 12 प्लस 2 = 13, 14/3, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही होगा, 1 × 3 = 3 तो 7 × 3 = 21 माइनस 3 × 1 = 3 तो 14 का 14। हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 में 14 तो 7 होगा/3 है ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 यहाँ बचेगा 1। ये वाला टर्म को आगे लिखते हैं,
रिमाइंडर को ऊपर में और थ्री से डिवाइड करते थे थ्री को नीचे, यह हम लोग का आंसर हो गया है ना, समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं फाइव नंबर में, कहाँ है ये, थ्री पूर्णांक थ्री बाय टेन माइनस वन पूर्णांक सेवन बाय फिफ्टीन है ना, अच्छे से देखिए समझ में आ जाएगा। टेन थ्री जा थर्टी प्लस थ्री, थर्टी थ्री बाय टेन, फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू बाय फिफ्टीन, पंद्रह का पंद्रह दस, पंद्रह का पंद्रह बीस बाईस। अब फिफ्टीन और टेन का एलसीएम निकलना है, हम यहाँ साइड में आपको सामने में दिखाना है एलसीएम फिफ्टीन टेन और फिफ्टीन का, टू से नहीं चलेगा फाइव से कहलाते हैं, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो एलसीएम जो होगा हम लोग का फाइव इंटू टू इंटू थ्री, फाइव टू जा टेन टू जा थर्टी, तो थर्टी हम लोग एलसीएम निकला, हम लोग यहाँ थर्टी लिख देते हैं। टेन थ्री जा थर्टी, तो थ्री टाइम्स पर इसको भी पढ़ेंगे, थर्टी थ्री थ्री जा नाइन्टी नाइन, टू थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, फिफ्टीन टू जा थर्टी, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर। अब यहाँ फाइव में नाइन में फाइव फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइव नाइन में फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइव बाय थर्टी, अभी बताए थे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिफ्टी फाइव यहाँ लिख देते हैं, कवर में वन बार में चलेगा तो थर्टी यहाँ बचेगा कितना, फाइव में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव, फाइव में थ्री टू, तो हम लोग का वन पूर्णांक ये ट्वेंटी फाइव ऊपर में लिखेंगे, नीचे थर्टी लिखेंगे, दोस्तों ये कटेगा फिर फाइव से, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी फाइव, तो वन पूर्णांक फाइव बाय सिक्स, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं तो मोर लेते हैं, कितना तो बता चुके हैं फाइव, अब बताएंगे सिक्स। दोस्तों एक ही मेथड से बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये सिक्स बता रहे हैं यहाँ, कौन वाला है ये वाला, टू पूर्णांक फाइव बाय, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, वन पूर्णांक सेवन बाय फिफ्टीन है ना, तो हम लोग पहले पूर्णांक तो लेते हैं, नाइन टू जा एट्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री बाय नाइन माइनस फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू बाय फिफ्टीन, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ कितना, नाइन और फिफ्टीन का, नाइन और फिफ्टीन का टू किस टू से नहीं चलेगा, थ्री से जा करें, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव एलसीएम हो जाएगा कितना, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव जा फोर्टी फाइव, एलसीएम निकल गया फोर्टी फाइव, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फोर्टी फाइव। यहाँ देखिए दोस्तों एलसीएम जो आएगा ना ये नंबर से पढ़ा जाता है ये है ना, नहीं पढ़ा जाएगा इसका मतलब एलसीएम आपका गड़बड़ है, फिर से निकलना है, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव होता है, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन का फाइव कैरी वन, फाइव टू जा टेन वन अलेवन ना हो गया, फिफ्टीन थ्री जा पंद्रह था पैंतालीस, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, फाइव में सिक्स नहीं कटेगा, फिफ्टीन में सिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे नाइन, यहाँ बचेगा कितना जीरो, जीरो में सिक्स नहीं कटेगा टेन हो जाएगा, इसका कर लेंगे तो टेन में सिक्स कटेंगे तो फोर, यहाँ होगा फोर्टी फाइव। अब फोर्टी नाइन में फोर्टी फाइव इससे छोटा है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, वन बार में चलेगा फोर्टी फाइव, यहाँ बचेगा कितना पाँच चार नौ फोर, इस वाला को आगे लिखते हैं, इस वाला को ऊपर और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे, ये हम लोग का आंसर हुआ। दोस्तों हम घेर रहे हैं इसलिए कि आंसर को, आंसर आपको नहीं घेरना है, आगे चलते हैं, यहाँ भी सिंप्लीफाई करना, अब सेवन का नंबर वन होता है, टू बाय थ्री प्लस फाइव बाय सिक्स माइनस वन बाय नाइन है ना, इसमें हम लोग का इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितना कितना का, यहाँ देखिए समझाते जाते हैं, थ्री सिक्स नाइन, टू से सिर्फ ये चलेगा तो थ्री से चलाते हैं, वन जा थ्री टू जा थ्री, थ्री जा अब नहीं चलेगा, थ्री इंटू टू इंटू थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा एट्टीन निकला हम लोग का एलसीएम, जो एलसीएम निकला उसी को यहाँ आँख बंद करके भर देना, नहीं दोस्तों खोल के भरना है तो गलत जगह भर दीजिएगा, थ्री सिक्स जा सिक्स टाइम पर है, सिक्स टू जा ट्वेल्व, एक्चुअल में जितना टाइम ये पढ़ रहे हैं उतना टाइम उसको पढ़ के लिखना है, सिक्स थ्री जा फाइव थ्री जा फिफ्टीन, यहाँ माइनस है तो माइनस, नाइन टू जा तो टू वन जा टू, अब यहाँ समझते हैं ये भी प्लस क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस अंडरस्टूड रहता है, इसके आगे माइनस लिखा हुआ था ये माइनस है, ये दोनों ऐड होगा पहले, फाइव प्लस टू सेवन, वन प्लस वन टू, माइनस है टू बाय एट्टी, तो हम लोग के यहाँ ट्वेंटी टू में प्लस सेवन में टू सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव और यहाँ होगा टू और बटन में एट्टीन, अब नीचे छोटा है ना तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, एटीन वन जा एटीन, तो यहाँ हो जाएगा कितना सेवन, इस वाला को आगे लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर देते हैं एटीन ये नीचे लिखते हैं, कैसा लगा मजाक, इसको मजाक नहीं था ये रियल है, आगे चलते हैं,
कितना बना रहे, सेकंड बना रहे हैं किसका, सेवन का। तो चलते हैं, एट माइनस फोर पूर्णांक वन बाई टू माइनस टू पूर्णांक वन बाई फोर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एट बाई वन कर देते हैं। माइनस फोर टू जा एट प्लस वन नाइन बाई टू, फोर टू जा एट प्लस वन नाइन बाई फोर, अलग अलग है। फोर और टू का एलसीएम निकालेंगे तो फोर ही होगा। आप सोचे कैसे निकाल के दिखाइए, तो लो निकाल के दिखाते हैं यहाँ किसका, फोर और टू का। आप सोचे वन का क्यों नहीं, वन नहीं लिखते हैं, टू से चलाएंगे, टू टू वन जा टू, तो टू इंटू टू मिला खाली, फोर ही होगा। तो वन फोर जा, फोर बार पढ़ें, एट फोर जा थर्टी टू, माइनस का माइनस, टू टू जा तो नाइन टू जा एटीन, फोर वन जा तो नाइन का नाइन। यहाँ समझिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो थर्टी टू हमारा प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो ट्वेंटी सेवन माइनस है। ये दोनों को ऐड कर दिए, क्योंकि माइनस है ना, एक भिखारी या एटीन दिए, एक भिखारी या नाइन दिए, दोनों भिखारी को मिला के ट्वेंटी सेवन दिए। तो यहाँ होगा थर्टी टू में ट्वेंटी सेवन घटाएंगे तो होगा फाइव बाई फोर। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, लास्ट नीचे में छोटा होगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, फोर वन जा फोर वन, इस वाला को आगे लिखते हैं, इस वाला को ऊपर में, और इस वाला फोर से नीचे था, हम लोग का हो गया वन पूर्णांक वन बाई फोर आंसर। चलते हैं ये वाला प्रश्न, तो बहुत लंबा है यार, तो चलते हैं। ये सब लैंग्वेज वाला ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं, इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना है बस, खेल खत्म। हार्ड इधर है, थ्री नंबर बता रहे हैं किसका, सेवन का थ्री नंबर। एट पूर्णांक फाइव बाई सिक्स माइनस थ्री पूर्णांक थ्री बाई एट प्लस वन पूर्णांक सेवन बाय ट्वेल्व। हम लोग को एट सिक्स जा आठ सौ का अड़तालीस, दस पचास फिफ्टी थ्री बाय सिक्स, यहाँ हो जाएगा कितना, एट थ्री जा अट्ठाईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस ट्वेंटी सेवन बाय एट प्लस बारह का बारह पाँच, बारह का बारह सात उन्नीस नाइनटीन बाय ट्वेल्व। जब एलसीएम नीचे निकालना पड़ेगा यार, तो चलो निकाल के दिखाते हैं किसका है, सिक्स है एट है और ट्वेल्व है, टू से चल जाएगा, टू थ्री जा टू फोर जा टू सिक्स जा, फिर टू से चलेगा ये दोनों से चला देते हैं, थ्री नहीं चलेगा, टू टू जा टू थ्री जा, अब थ्री से ये चलेगा, थ्री से चलाते हैं वन वन ये टू, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा बाद में चौबीस ट्वेंटी फोर आया एल सी एम। सिक्स फोर जा, फोर जा पर ना, फोर थ्री जा ट्वेल्व का टू कैरी वन, फोर फाइव जा ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन, माइनस है तो माइनस, एट थ्री जा तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन का वन कैरी टू, थ्री टू जा सिक्स वन सेवन, यहाँ प्लस है तो प्लस, ट्वेल्व टू जा बारह दोनों चौबीस उन्नीस दोनों अड़तीस। यहाँ ये समझिए, हम लोग का माइनस सिर्फ ये है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, एट प्लस टू टेन का जीरो कैरी वन, थ्री वन फोर प्लस वन फाइव और टू का टू, माइनस था सेवेंटी वन बाय है ट्वेंटी फोर। टेन है वन घटाना है, वन जीरो में नहीं घटेगा तो टेन है वन घटाना है नाइन, यहाँ फोर में सेवन नहीं घटेगा, फोर्टीन में सेवन सब्ट्रैक्ट करेंगे सेवन, यहाँ कैरी दिए थे तो वन हो जाएगा बाय ट्वेंटी फोर, डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे में छोटा है। तो हम लोग का चल जाएगा कितना बार में, लगभग सेवन बार में चलाते हैं, सेवन 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 फोर जा सचो टाइस का एट कैरी वन सॉरी टू, सेवन टू जा फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, हाँ चल गया, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ भी हो जाएगा वन, ये कट गया। इसको ऊपर में लिखते हैं, आगे में लिखते हैं, एलेवन को ऊपर में रिमाइंडर और ट्वेंटी फोर को नीचे, ये नहीं कटेगा तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। नेक्स्ट है नंबर एट, अनिता बाउट थ्री पूर्णांक थ्री बाई फोर के जी एप्पल्स एंड फोर पूर्णांक वन बाई टू के जी गुआवा, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट। तो हम लोग लिख देते हैं वेट ऑफ एप्पल, डब्ल्यू ई आई जी एस टी, वेट ऑफ एप्पल ए डबल पी एल ई एस इक्वल टू कितना है, थ्री पूर्णांक थ्री बाई फोर के जी, वेट ऑफ एप्पल के बाद क्या है ये गुआवा, जी यू ए बी ए, कितना हो जाएगा फोर पूर्णांक वन बाय टू के जी। टोटल वेट हम लिख देते हैं टी ओ टी एल टोटल, डब्ल्यू ई आई जी एस टी, तो टोटल वेट हो जाएगा थ्री पूर्णांक थ्री बाय फोर प्लस फोर पूर्णांक वन बाय टू, टोटल में के जी लगा देते हैं, है ना। अब इसको सोल्व करना, अभी तक सीख गए हैं हम लोग सोल्व करने, फोर थ्री या ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो फिफ्टीन बाई फोर पूर्णांक तोड़ेंगे तो
फोर टू जा एट प्लस वन नाइन बाय टू। एलसीएम लेंगे तो फोर हो जाएगा, फोर वन जा फोर फिफ्टीन, वन जा फिफ्टीन टू टू जा फोर नाइन टू जा एट्टीन। तो इसको हम लोग इधर ऐड कर लेते हैं, एट प्लस फाइव थर्टीन का थ्री कैरी वन वन टू वन थ्री बटम है फोर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फोर एट जा थर्टी टू बचेगा वन। तो एट आगे में लिखते हैं, एट के जी वन ऊपर में फोर नीचे में, ये के जी हो जाएगा टोटल वेट, लिख दिया है टोटल वेट है ना, एट पूर्ण वन बाय फोर के जी। चलते हैं आगे दोस्तों, इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा जैसे लिखते हैं है ना। अगला है, अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर इज 15 पूर्णांक 3 बाई 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 पूर्णांक 1 बाई 2 मीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हम लोग का यहाँ देख लीजिए, लेंथ दिया हुआ है नंबर 9, ये तो और इजी है, रेक्टेंगुलर सिर्फ लॉन्ग यानी लेंथ एल ई एन जी टी एच 15 पूर्णांक 3 बाई 4, इधर लिख लेते हम नहीं तो जगह कम है। विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज़ है, डब्ल्यू आई टी विड्थ या वाइट 12 पूर्णांक 1 बाय 2 सेंटीमीटर, और ये भी था सेंटीमीटर। अब हम लोग जो पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर पी ई आर आई एम ई टी ई आर, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, तो इक्वल टू 2 लेंथ की जगह 15 3 बाय 4 और ब्रेथ की जगह 12 1 बाय 2 है ना, ऐसा है। मैं इसमें रेड चला देता हूँ क्योंकि यहाँ तो मैच कर जाएगा, रेड पेन चला देता हूँ इधर। तो इधर हमें 2 रहने देते हैं अभी, तो 2 यहाँ हो जाएगा 15 चौका 60 प्लस 3 63 63 बाय 4 प्लस 12 दिन 24 एक 25 बाय 2 ऐसा हुआ। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सब में लिख देंगे बाहर में, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, बाहर में 2 है, 4 वन जा 4 63 टू टू जा 25 दून 50, ऐड करेंगे 2 इंटू नीचे में 4 है 3 प्लस 0 3 5 प्लस 6 6 11 11 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, हम लोग को बचा 1 1 3 बाय 2 है ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना बार में 2 5 जा 10, यहाँ बचेगा 1 यहाँ बचेगा 3 2 6 जा 12 यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ समझिए, इसको आगे में लिखते हैं 56 और 1 ऊपर में और 2 से डिवाइड कर देते, ये सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देंगे, समझ में आया। तो 56 यहाँ लिख देता हूँ 56 एंड हाफ सेंटीमीटर, समझ में आया दोस्तों। ये लैंग्वेज ऐसे ही लिखा जाएगा, ये आप देख लीजिए, आप गोजगार लग रहा होगा, बनाया तो किसी करके आप देख लीजिए बढ़िया से। चलिए आगे फटाफट बनाते हैं नहीं तो वीडियो। अ पिक्चर इज 73 बाय 5 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मच शुड बी है ना ट्रीम्ड, मतलब कितना उसको ट्रीम मतलब कट किया जाए टू फिट इन अ फ्रेम 73 बाय 10 सेंटीमीटर वाइड। तो दोस्तों यहाँ देखो, एक पिक्चर का जो है ना लेंथ ऑफ पिक्चर या वाइड ऑफ पिक्चर लिख देते हैं, वाइड ऑफ अ पिक्चर पी आई सी टी यू आर आई, क्योंकि इसमें लैंग्वेज देखना है 3 बाई 5 सेंटीमीटर, और यहाँ बोला है ट्रिम करते हैं फिट फ्रेम इतना मीटर वाइड, तो इतना मीटर उसको कट करना है मतलब हटाना है, इसलिए हाउ मच शुड बी ट्रिम, तो लेंथ ऑफ ट्रिम लिख देते हैं डायरेक्ट, फिट एल ई एन जी टी एच लेंथ ऑफ ट्रिम्ड टी आर आई एम डबल एम ई डी ट्रिम्ड पिक्चर पी आई सी टी यू आर ई, डायरेक्ट लिख दें लेंथ ऑफ ट्रिम पिक्चर मतलब इसमें कितना ट्रिम करेंगे, तो ये मिलेगा, तो ई माइनस ई करेंगे तो निकल जाएगा 73 बाय 5 माइनस 73 बाय 10, ये सेंटीमीटर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करना है, अब यहाँ समझिए आप सोच रहे हैं कैसे ऐसा हुआ, तो यहाँ मैं और आपको डीपली बता देता हूँ। जैसे मेरे पास अभी ऐसे समझिए अच्छे से, 8 मीटर का कुछ है, इसको हम लोग कुछ ट्रिम किए और अभी ट्रिम करने के बाद 5 बचा हुआ है, तो अब कितना ट्रिम किया आप सोचे, 3 ट्रिम किए, ये 3 कैसे निकला, 8 माइनस 5 करेंगे तो भी 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वही कर रहे हैं। तो यहाँ 7 3 7 5 जा 7 5 35 प्लस 3 38 38 बाई 5 माइनस 10 7 जा 70 प्लस 3 73
थ्री बाय टेन। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 होगा, 5 टू जा तो 38, टू जा कितना होगा, 8 टू जा 16 का 6 कैरी 1, 3 टू जा 6 7 माइनस 73, तो इसमें सब्ट्रैक कर लेंगे तो कितना होगा, 6 में 3 सब्ट्रैक करेंगे तो 3, 7 में 7 खत्म, तो 3 बाय 10 सेंटीमीटर बचा, है ना, इतना ही होगा। अगला चलते हैं, अगला है, ये सब क्वेश्चन जो है 11 हुआ 12 हुआ इसमें समझने वाला है, कितना है अभी 16 तक यार, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करें, 1 2 3 4 5 6 अभी 6 वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं आज, आज यहाँ तक बनाए, 10 तक बता चुके हैं, अब 11 तक बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।